हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। इससे पिछले वीडियो में हमने नरेशन के 20 क्वेश्चंस किए थे, जो कि CGL में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं। अब हम इस वीडियो में अगले 20 प्रश्नों को करते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हम एनालिसिस करेंगे प्रत्येक सेंटेंस का। देरी ना करते शुरू करते हैं। द क्लाइंट सेड टू द टिकट सेलर, एट व्हाट टाइम डू द काउंटर्स क्लोज। दूसरा सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, तो नेचुरल है इसको हम सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। तो इन्होंने सब में आस्क किया है, तो द क्लाइंट आस्क भी यहां पर आस्क होना चाहिए। द टिकट सेलर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड सा है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्वेश्चन वर्ड आएगा एट व्हाट टाइम। शेष सेंटेंस जुड़ेगा द काउंटर्स क्लोज्ड, तो पूरा सेंटेंस बना द क्लाइंट आस्क द टिकट सेलर इन व्हाट टाइम द काउंटर्स क्लोज्ड। इतना जिसमें मिलेगा वो सेंटेंस हमारा ठीक माना जाएगा। तो द क्लाइंट आस्क द टिकट सेलर एट व्हाट टाइम द काउंटर्स क्लोज्ड, यही ऑप्शन हमारा ठीक लग रहा है। और भी ऑप्शन देखते हैं कि क्या उनमें भी ऐसा ही कुछ है, अगर नहीं तो देखते हैं कमी क्या है। द क्लाइंट आस्क द टिकट सेलर एट व्हाट टाइम डिड, तो यहां पर इस डिड के ना तो गलत हो गया है। द क्लाइंट सेड टू द, तो सेड टू नहीं आस्क आ गया, द टिकट सेलर एट व्हाट टाइम द काउंटर क्लोज, यहां पर क्लोज ये इसलिए गलत है। द क्लाइंट इंक्वायर्ड टू द टिकट सेलर एट व्हाट टाइम द काउंटर यूजली क्लोज, समझ गए होंगे शेष ऑप्शन में क्यों कमी है। अब हम 22nd देखते हैं। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो नेचुरल है ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, सजेस्ट भी कह सकते हैं, जैसा भी हो, लेकिन ये टू से जुड़ेगा। टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, इतना होना चाहिए, तो ये टू से जुड़ना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, अब देखते हैं। ही अर्ज्ड देम, अर्ज लगा सकते हैं, प्रार्थना करना होता है। टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, सही हो गया, तो इस सेंटेंस में कोई कमी नहीं है। दूसरों में देखते हैं कमी क्या है। ही अर्ज्ड देम, यहां भी सही है, एंड से नहीं जुड़ेगा क्योंकि टू से ही जुड़ना बताया कि ये टू से ही जुड़ेगा। ही सैड दे शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, तो इसको हमने अगर इम्पेटिव में दोबारा चेंज करेंगे तो नहीं चेंज हो पाएगा, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ही सैड यू शुड बी क्वाइट, ये भी नहीं बनेगा आपका। 23rd देखते हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा है। ही सेड टू मी, ठीक, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, तो नेचुरल है सेड टू का टोल्ड बनेगा। तो इन्होंने देखते हैं सेड टू का टोल्ड बनेगा दैट, तो ही टोल्ड मी दैट जोड़ेंगे, आई ही के अनुसार क्या हो जाएगा, He had often told you, me के अनुसार me हो जाएगा, not to play with fire, तो क्या बनेगा, told me that he had often told him, told me not to play with fire, तो he said that, has लिखा है, had होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन गलत माना जाएगा। He told me that he had often told me not to play with fire, ये आपका 23rd का ठीक लग रहा है, तो इसको सही है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगले देखते हैं क्या उनमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी तो होगी। He reminded me, किस बात का रिमाइंड दिलाया भाई, that he often said, तो often said क्यों, अगर रिमाइंड कर भी लें तो आएगा भाई हैड टोल्डेड, तो हैड टोल्ड आएगा यहां पर,
और इसमें कहीं ऐसा कुछ है नहीं। ही सेड टू मी, चलो मान लो ऐसा भी कर लें, ही ऑफिन क्यों, समझ गए इसमें क्या क्या कमी है। अब हम 24th देखते हैं, इसमें क्या है, दे टोल्ड अस दैट दे हैड वेटेड द स्टेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ ध्यान देने की बात है भाई, टोल्ड अस इन्होंने सब में टोल्ड अस किया, तो इस पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए हमें, जबकि मालूम है कि टोल्ड को जब हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू होता है। अब इन्होंने नहीं किया है सेड टू, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे अगले देखते हैं। अब हम दैट हटा करके यहाँ देखते हैं, दे हैड वेटेड, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो बना था वो दो टेंस से बनता है, एक तो आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट बनाया होगा एक बात, और दूसरा बनाया होगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो पहले देखते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट दिया है कहीं, बी वेटेड, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कहीं नहीं दिया है, तो पास्ट परफेक्ट का भी बना होगा, तो देखते हैं, दे टोल्ड अस बी वेटेड, तो इसी का ही तो बनाया होगा पास्ट परफेक्ट, तो ये आपका ऑप्शन इस कारण से, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसी का पास्ट परफेक्ट बना होगा, ये ठीक माना जाएगा। बी हैड बीन वेटिंग, अगर हम पास्ट परफेक्ट का भी मान लेते तो ये बन जाता, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आर और वेटेड नहीं बनेगा, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन ही ठीक माना गया है केवल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पवन सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज आई विल फोन यू, सेंटेंस आपका एसर्टिव है तो दैट से जुड़ेगा। पवन टोल्ड मी दैट इफ आई का, पवन के अनुसार ही हर्ड, इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन यू, तो फोन मी, समझ गए, तो क्या बना, पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी, ये मिलना चाहिए, तो पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। पवन टोल्ड मी दैट इफ ही बिल है तो यहां पर नहीं लगेगा, पहला ही पवन टोल्ड मी इफ ही हैड हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी, ये सही हो गया। चौथे में देख लेते हैं, पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी, पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी, ये ठीक होना चाहिए, ये वाला ठीक होना चाहिए, तो इसमें क्या सही है, तो 25th का 4th ठीक लग रहा है, इसमें कोई कमी होगी, देख लेते क्या कमी है, पवन टोल्ड मी इफ हैड हर्ड नहीं होगा भाई, जल्दी में कर गए ये, तो हैड यहां पर गलत है क्या, केवल हर्ड ही होना चाहिए, तो आपका 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने जल्दी कर दी, आपको जल्दी नहीं करनी है, बहुत सही से ऑप्शन देखने हैं। अब हम 26 देखते हैं, द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेशंस विश यू सक्सेस इन लाइफ, तो ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका ऑप्टेटिव है, तो क्या बनेगा, द टीचर सेड टू महेश, तो सेड टू को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन जो किया, संबोधन किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन वेट किया है, तो हम इस कॉन्ग्रेचुलेशन को वर्ब बना देंगे, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश, ठीक ये हो गया। अब इसको एंड से जोड़ देते हैं, एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, इतना होगा, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड सैड, तो सैड नहीं लगेगा, एंड विश्ड होगा केवल, एंड विश, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि एंड सैड के बाद नहीं लगेगा, केवल एंड विश्ड आएगा केवल,
द टीचर्स बिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, बिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन जाएगा केवल कॉन्ग्रेचुलेटेड आएगा, द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेशन ये नहीं आएगा, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, ये आपका सही माना जाएगा। अब हम 27th क्वेश्चन देखते हैं, 27वां। द पुअर एग्जामिनी सेड ओ गॉड टेक पिटी ऑन हिम, तो ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, टेक पिटी ऑन मी, मुझ पर दया करो, तो टू टेक से जुड़ेगा, टू टेक पिटी ऑन हिम। द पुअर एग्जामिनी प्रेड, किससे प्रेड की, गॉड से, प्रेड गॉड, यही भाव है इसका, प्रार्थना की होगी। द पुअर एग्जामिनी प्रेड गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम, ये बनना चाहिए, द पुअर एग्जामिनी प्रेड गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम, यही आपका ऑप्शन ठीक माना जाएगा। द पुअर एग्जामिनी इनवोकिंग नहीं बनेगा, द पुअर एग्जामिनी एक्सक्लेम्ड दैट नहीं बनेगा, द पुअर एग्जामिनी आस्क गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम, तो आस्क गॉड ये भी सी हो सकता है, लेकिन गॉड से पूछा थोड़ा नहीं है, इंट्रोगेट थोड़ा नहीं है, तो टू टेक पिटी ऑन हिम यहाँ प्रेड होता केवल, क्योंकि इन दोनों की तुलना की जाए तो वो ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा। 28 देखते हैं, वेयर विल यू बी टुमारो आई सेड इन केस आई हैव टू रिंग यू, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क से बनेगा, और आस्क के बाद ये कॉमा इनमिट कॉमा जा गए, क्वेश्चन बढ़ने लगेगा, तो क्या बनेगा, आई आस्क्ड हिम होगा, या नहीं लगाओ कोई ऑब्जेक्ट तो जरूरत नहीं है, तो आई आस्क्ड वेयर ही वुड या आई वुड, कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। आई आस्क वेयर यू, भाई यू का यू नहीं रहेगा, ये तो पता है आपको, ही बनेगा या आई बनेगा, किसी यू को छोड़ के किसी भी अन्य हम प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं, यू में नहीं रखेंगे, एक बात। आई आस्क वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस आई हैव का हेड किया है टू रिंग हिम, तो ये आपका जो 28 का है ये ठीक माना जाना चाहिए, ये ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं उनमें क्या कमी है, आई सेड टू हिम, तो सेड टू हिम आस्क रहेगा, कोई बात नहीं, अगर सेड टू भी रहने दिया है। अगले देखते हैं, वेयर ही वुड, वुड होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। चौथे में देखते हैं, आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज वेयर, ये नहीं रहेगा, तो आपका समझ गए होगे कि 28 का कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है। 29 का देखते हैं, सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन, तो सीता आस्क मी इफ आई यू के अनुसार आई कुड गिव हर माई पेन, तो सीता आस्क मी कैन, गलत होगा कैन से, क्योंकि कैन से शुरू नहीं होगा, इफ से शुरू होगा। सीता आस्क मी इफ आई कैन, इफ आई सही है इफ, लेकिन आई के साथ कुड होना चाहिए ना, ये गलत हो गया। सीता आस्क मी इफ आई कुड गिव हर माई पेन, ये ठीक माना जाएगा। सीता आस्क मी इफ आई गिव, ये गलत माना जाएगा। तो आपका केवल कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन ठीक हुआ, इसका आपका थर्ड ऑप्शन ठीक हुआ। अगला देखते हैं, द फादर वार्न्ड हिज सन दैट ही शुड बी वार ऑफ हिम, ये आपका इनडायरेक्ट का प्रश्न है, तो क्या लगेंगे, वार्न्ड की जगह हम सेड टू करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, सब में वार्न्ड वार्न्ड रहने दिया, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने क्या किया, हम इसको जोड़ते हैं, तो ही शुड बी वार ऑफ हिम,
ही शुड बी पार ऑफ हिम, यही तो उन्होंने कहा है। तो इसका दो तरह से बनता है भाई, इसका बीवार ऑफ हिम को हम देखते हैं, बीवार ऑफ हिम पहले ऑप्शन में, तो बीवार ऑफ हिम को हम चेंज करेंगे, इसको अगर हम चेंज करें तो टू बीवार ऑफ हिम आएगा भाई, इसको हम चेंज करें तो टी टू बीवार ऑफ हिम आएगा एक बार। और दूसरे तरीका अगर इसको हम बनाएं तो नेचुरल है कि इसमें सलाह दी गई है, तो ही शुड बी बीवार ऑफ हिम इसका बन सकता है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक माना जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या कमी है। देखिए, द फादर वॉर्न्ड हिज सन वॉच दैट चैप, भाई यहां तक तो ठीक है, वॉच दैट चैप का ये कैसे ऑप्शन चेंज बन जाएगा, इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाए तो ये कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। अच्छा, बी केयरफुल अबाउट हिम, तो यहां पर शुड बी केयरफुल अबाउट हिम होना चाहिए, ये नहीं बनेगा। डोंट फेल इन टू द ट्रैप, ये नहीं बनेगा। तो जो उपयुक्त ऑप्शन है भाई, बनना क्या चाहिए, टू बी बार ऑफ हिम, लेकिन हम इसको ही शुड बी बार ऑफ हिम बना सकते हैं, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन ठीक माना जाएगा। इनमें ये बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे। 31st देखते हैं, 31st में क्या है, द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी वॉट द ओल्ड मैन सेड, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, तो इन्होंने सब में रिक्वेस्टेड किया हुआ है, जब सब में रिक्वेस्टेड किया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज हटा देंगे, टू से जोड़ देंगे। तो द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम वॉट द ओल्ड मैन सेड का हैड सेड टूडे का दैट डे, ये तो पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो हम पहला ऑप्शन ठीक मान लेते हैं, अगर गलत लगेगा तो पहला ऑप्शन काट देंगे, इसको ठीक मान लिया है हमने। दूसरा देखते हैं, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, ये यहां तक ठीक है, लेकिन टूडे का दैट डे होना चाहिए, इसने दैट डे नहीं किया है, इसलिए गलत है। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड, तो सेड को सेड ही रहने दिया जबकि हेड सेड होना चाहिए, और डेड टूडे का डेड डे तो कर दिया है लेकिन हेड सेड नहीं किया है। तो द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड टूडे, इसको वैसे ही वैसे जोड़ दिया है, ठीक, तो आपका पहला ऑप्शन ठीक हो गया। अब हम 32 देखते हैं, फरहान आस्क्ड गीता कुड यू लैंड मी 100 rupees अंटिल टुमारो, तो नेचुरल चेंज क्या होगा, आस्क्ड गीता किया है तो सीधे इफ से जुड़ेगा, इफ से जुड़ेगा या बैदर, इन्होंने सब बैदर से जोड़ा, कोई बात नहीं, इफ या बैदर से जोड़ते ही अपने लोग, तो इन्होंने बैदर से जोड़ा है, बैदर सी आएगा यू गीता के अनुसार, बैदर सी कुड लैंड हिम 100 rupees अंटिल द नेक्स्ट डे, इतने होना चाहिए, तो यहां पर सी कुड होना चाहिए और यहां पर हिम होना चाहिए और द नेक्स्ट डे इतना होना चाहिए, ये तीन चेंज तो है, वो देख लेते हैं। द फादर आस्क फरहान आस्क गीता वेदर सी कुड लैंड हिम 100 rupees अंटिल टुमारो, तो भी टुमारो को किया है तो हम टुमारो से गलत मान लेते हैं, अगर समय टुमारो होगा, समय टुमारो चेंज ही नहीं किया होगा तो अलग बात है, तो टुमारो से गलत माना है हमने। फरहान आस्क गीता वेदर सी कुड लैंड हिम 100 rupees अंटिल द नेक्स्ट डे, तो ये हम सही मान ले रहे हैं क्योंकि सब कुछ सही है, ठीक। अब हम अगला देखते हैं, फरहान आस्क गीता वेदर सी कुड लैंड हिम 100 rupees अंटिल द नेक्स्ट, वेदर सी कुड लैंड मी, तो मी थोड़ा ना होगा, मी उन्होंने चेंज नहीं किया है, तो नेचुरल है मी के अनुसार हम गलत मान ले रहे हैं। फरहान आस्क वेदर, तो भी गीता कहाँ गया यहाँ पर, नहीं बनेगा, तो
तो आपका ऑप्शन जो है सेकंड सही माना जाएगा। 33 देख लेते हैं। अब 33 में क्या कर रहा है भाई, 33 में है, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर स्विम, ही सेड इट इज क्वाइट फाइन नाउ। सेंटेंस का अर्थ देखिए, हिंदी में देख लेते हैं, आज तैरने के बारे में क्या प्लान है, व्हाट अबाउट गोइंग टू, तैरने जाने के लिए क्या बात है। इट इज क्वाइट फाइन नाउ, आज तो बहुत अच्छा है। तो ये जो सेंटेंस का भाव है वो लग रहा है कि इन्होंने प्रपोज्ड किया है, एक प्रस्ताव रखा है। तो हम किससे जोड़ते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, ही सेड को आस्क में बदल सकते हैं, प्रपोज में भी बदल सकते हैं, किसी में बदल दो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। हमारे अन्य ऑप्शन भी उससे मिले हुए होने चाहिए। अन्य ऑप्शन अगर उससे मिलते हैं तो हम देखते हैं, यहां प्रपोज भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है, सजेस्टेड भी हो सकता है, एडवाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो फर्क पड़ना चाहिए, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर स्विम, तो ये जो सेंटेंस है ये इसी तरह रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट अबाउट गोइंग फॉर स्विम एज। अब इट इज क्वाइट फाइन नाउ है, तो इट वॉज क्वाइट फाइन देन होना चाहिए। तो इट वॉज क्वाइट फाइन देन है, तो ये ठीक माना जाएगा। अब दूसरे प्रश्न में ऑप्शन में देख लेते हैं कि गलत क्या है। देख लीजिए, हम देखते हैं कि जब भी हम नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन बहुत ज़्यादा जो हमने ट्रेडिशनल वे में पढ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। तो इसलिए हम ऑप्शन को देखकर सही ऑप्शन का चयन करते हैं। ही प्रपोज्ड गोइंग फॉर स्विम, हमने कहा व्हाट अबाउट गोइंग फॉर स्विम, ये प्रस्ताव जरूर रखा गया है, लेकिन ये पूछा गया है कि व्हाट अबाउट गोइंग फॉर स्विम, आज जान तैरने के मामले में क्या सोचा है। तो ही प्रपोज्ड गोइंग फॉर स्विम नहीं बनेगा, क्योंकि इससे अगर बना भी देंगे तो वापस ये नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये गलत माना जाएगा। ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए स्विम एज इट वॉज क्वाइट फाइन, तो सजेस्टेड नहीं किया गया है, पूछा गया है। ही एडवाइज मी टू गो, एडवाइज नहीं दी गई है, इसलिए ऑप्शन जो एक है वही उपयुक्त माना गया है। 34 देखते हैं, 34 में क्या है, यू कांट बेद इन दिस सी, ही सेड टू मी इट इज वेरी रफ। ये दोनों ही सेंटेंस जो है क्या है, आपके एसर्टिव हैं। जब एसर्टिव सेंटेंस हैं तो नेचुरल है हम इनको क्या करेंगे, दैट से जोड़ेंगे। तो ही सेड दैट यू कैन नॉट, तो आई कुड नॉट बनना चाहिए, तो वहां पर आई कुड नॉट कैन नॉट है, तो इसलिए इसको गलत मान लेंगे। पहले बना लेते हैं, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, ये होना चाहिए, दैट आई कुड नॉट बेथ इन दैट सी एज इट वॉज वेरी रफ, इतना बनना चाहिए। तो यहां पर ही सेड टू का टोल्ड होना चाहिए, चलो इसको मान ले, सेड ही रहने दिया। तो आई कैन नॉट का कुड नॉट होना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया है। एक बार ही सेड दैट यू, भाई यू को जरूर चेंज होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम गलत मान लेते हैं। तो दो ऑप्शन गलत हो गए। हम थर्ड देख लेते हैं, ही सेड दैट आई कुड नॉट बी इन दैट सी एज इट वॉज वेरी रफ, ये सही मान लेते हैं, साइड टू का टोल्ड होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं बताओ भाई। इसमें देखते हैं क्या कमी है, ही सेड दैट यू, यू तो जरूर चेंज होना चाहिए। अब आप खुद देखिए, इन्होंने साइड टू को टोल्ड नहीं किया है, तो ये हमको बरगलाने वाली बात है या घुमाने वाली बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको देखना क्या होता है, हमने एक देखना होता है कि इन्होंने
इससे सही जोड़ा है, इन्होंने प्रोनाउन को सही चेंज किया है, इन्होंने उसके बाद आने वाली वर्ब को सही चेंज किया है। तो ये वर्ब देखते हैं, प्रोनाउन देखते हैं, यानी कि टेंस और प्रोनाउन देखते हैं, और किस कंजक्शन से जोड़ा गया है वो चीज़ देखते हैं। अगर ये दो तीन चीज़ें सही हो जाती हैं तो हमारा सेंटेंस सही माना जाता है, और जब अन्य ऑप्शन में ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, एक होगी या दूसरी गलत होगी, तभी हमारे ऑप्शन माने जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कह रहा है, जगदीश सैड बी पास्ट बाई ए ब्यूटिफुल लेक वेन वी वेंट ऑन ए ट्रिप टू गोवा। सीधी साधी बात है, ये आपका एसर्टिव सेंटेंस है, दैट से जोड़ दीजिए। जगदीश सैड, अब बी जो है ऑप्शन है, इसमें बी के साथ जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है तो नेचुरल है कि ये सब्जेक्ट, जबकि जगदीश है, जबकि सब्जेक्ट आपका जगदीश है तो इसके अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जगदीश ने कहा है कि हम कौन, यानी कि उनका ग्रुप गया होगा किसी भी यात्रा पर, तो वे टोटल ग्रुप की बात की कर रहे हैं, और जब टोटल ग्रुप की बात जगदीश कर रहा है तो नेचुरल है कि बी को हम इस ग्रुप के अनुसार दे में चेंज करेंगे, और पास्ट का हेड पास्ट होगा तो हम क्या देखेंगे, दैट दे हैड पास्ट, एक तो चेंज होगा, हैड पास्ट रहेगा यहां पर, दे हैड पास्ट होगा, दूसरा बेंट है तो हैड गॉन, दो ही तो चेंज है, यहां पर हैड गॉन होगा और यहां पर दे हैड पास्ट होगा। इन दो बातों पे हमें सेंटेंस को देखना है। जगदीश सैड, रहने दो, दैट दे पास्ट, दे पास्ट नहीं होगा, हैड पास्ट होगा, इसलिए यहीं पर गलत हो गया ये। जगदीश सैड दे हैड पास्ट ए ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे बेंट, इन्होंने बेंट को नहीं चेंज किया तो हम इसको गलत मान लेंगे। जगदीश सैड दैट दे हैड पास्ट बाय ए ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे हैड गॉन ऑन ए ट्रिप टू गोवा, ये सही मान लेंगे कि उसमें सारे ऑप्शन ठीक है। जगदीश सैड दैट दे पास्ट, यहीं पर गलत हो गया। तो समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या चीज चेंज की और क्या क्या चीज देखी। अब 36 देखते हैं। 36 में ही सेड टू मी, ये तो यहां चेंज करेंगे, यहां चेंज करेंगे, आई एक्सपेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही एक्सपेक्टेड मी, ही एक्सपेक्टेड मी होना चाहिए, इतना है तो ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, ही टोल्ड मी, मान लिया दैट ही हैड एक्सपेक्टेड, कैसे आ जाएगा भाई, हैड नहीं आ सकता ना, हेड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में कैसे बन जाएगा, तो ये आपका यही गलत हो गया। दूसरा, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड, यहां तक ठीक है, मी सही है, टू अटेंड द फंक्शन, तो ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंडेड, तो यहां अटेंडेड शब्द है और टू के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, इसलिए ये गलत है। समझ गए होगे क्यों गलत किया, बाकी तो सही है, मैं भी घूम रहा था कि टू सही है लग रहा है, लेकिन टू के साथ अटेंडेड देखा तो टू के साथ अटेंडेड नहीं आना चाहिए, इसलिए गलत मानागा। ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड, यहां तक तो ठीक है, टू हैव अटेंडेड, इसलिए ये गलत है। अच्छा, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक माना जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात को। अगली बात 37 देखते हैं। ही सैड वाई डिडंट यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही सैड, अब यू को इन्होंने सब में आई किया तो आई मान ले रहे हैं, आई ही ठीक मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड, तो इन्होंने सब में इंक्वायर किया तो इंक्वायर कर दो, ही इंक्वायर्ड व्हाई आई हैड नॉट, इतना ही ठीक माना जाएगा, आई हैड नॉट सेंट हिम माई एप्लीकेशन टू हिम, ठीक। अब देखते हैं,
ही इंक्वायर्ड व्हाई आई हैड नॉट सेंट माई एप्लीकेशन टू हिम। ये तो पहला ही ऑप्शन ठीक माना जा रहा है, अभी तक तो इसको ठीक मान लेना क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है। ही इंक्वायर्ड व्हाई आई डिड नॉट, तो ये तो गलत हो गया, डिड नॉट सही। ही इंक्वायर्ड व्हाई आई हैड, व्हाई हैड नहीं होना चाहिए, आई हैड होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। ही इंक्वायर्ड व्हाई आई डिड नॉट, ये गलत हो गया। तो इनके पहला ही ऑप्शन ठीक है। 39 देख लेते हैं भाई, 38। दिनेश आस्क आर यू गोइंग टू पार्टी टुमारो एलिजा, तो एलिजा से बात कर रहा है। तो दिनेश आस्क एलिजा, तो इफ से जोड़ेंगे, सी वॉज गोइंग टू पार्टी द नेक्स्ट डे। दिनेश आस्क एलिजा, कहाँ गई भाई, नहीं लगेगा। दिनेश आस्क एलिजा वेदर यू, एलिजा के साथ चेंज होना चाहिए, नहीं किया इन्होंने। दिनेश आस्क एलिजा वेदर सी वॉज गोइंग टू पार्टी द नेक्स्ट डे, ये सही है आपका थर्ड, इन 38 का थर्ड सही होना चाहिए। इसमें देखते हैं क्या कमी है। दिनेश आस्क एलिजा आर यू, नहीं बनेगा। तो आपके 38 हो गए। दो प्रश्न और देख लेते हैं। जॉन आस्क हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनाएंगे इसमें। जॉन आस्क हाउ लॉन्ग, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो यहां लगा देंगे हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका, ये बनना चाहिए। देखते हैं क्या कमी है। साउथ जॉन आस्क हाउ लॉन्ग इट विल, बिल से कमी है, वुड होना चाहिए। जॉन आस्क हाउ लॉन्ग इट वुड होना चाहिए, इसलिए कमी है। जॉन आस्क हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी, ये सही लग रहा है, तो ये सही मान लेंगे। फोर्थ देखते हैं क्या कमी है। जॉन वॉज आस्किंग, यहाँ नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। He said she had been beeping for an hour. तो ये आपका यू सेंटेंस है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट का टेंस कभी भी नहीं चेंज होता। प्रोनाउन इसमें चेंज होने को है नहीं, तो इसे हम दैट से जोड़ देंगे। तो सी सेड दैट सी हैड बीन बीपिंग फॉर एन आवर, तो ही सेज नहीं होगा। ही सेड दैट सी वॉज बीपिंग नहीं होगा। ही सेड दैट सी हैज नहीं होगा। तो सी सेड दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर एन, ये होगा। ये थे आपका 20 प्रश्न जिनको हमने किया। इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।